और लड़की जब रोई तो सूर्य भगवान ने एक छोटी सी जादू वाली डिरिया दे दी। वो डिरिया तो छोटी रहे लेकिन डिरिया खिंचा खड़ा मत रहे, अगर डिरिया खोले सोई ताड़ी और मुंह छपे, डिरिया बंद करे सोई ताड़ी और मुंह छपन। अब लड़की रोईबो तो भूल गई पर डिरिया में लग गई। घर पर पहुंची ससुराल में तो चंदी चंदी में पर डिरिया जो है वे बगाड़ी में भूले रहे। जब घर पर पहुंची तब मैं याद आए, सोची कहां करें कहां ना करें, भी या तो गाड़ी नहीं रही गई कि रुपये मंगवाए। तो उन्हीं के घर में रहे एक जनी, उनकी कुछ ज्यादा ही छत्र है, जो कोई बुलाए सो नहीं बुलाए। सुबह लड़की ने बुलाओ बोले यहाँ जवाब दो हमारी बिबिया गाड़ी में रही गई। तो तुम ऐसे करो तुम हमारी बिबिया ले आओ, पर बिबिया ला के हम तुम्हें 100 रुपया देंगे लेकिन खुली हो ना। तो बेचारी गाड़ी के नजदीक पहुंची, उन्हें दिव्या ढूंढी, दिव्या जैसे मिली सो घर की तरफ लेके जा रही थी। फिर दिमाग में एक बात सोची, छोटी सी दिव्या है ले जाना के 100 रुपया है तो हमें कौन देख रहा है, नहीं खोले के देख रहे जब भीतर डरो का। और जैसे ही उन्होंने दिव्या खोली सो उनके ताड़ी और मूछ फेंक, ताड़ी और मूछ जब देगी तो दिव्या तो वही फेंक गई और बेबागी घर में भीतर कमरा घुसकी बैठ गई। और उनके पति जो रहे पहले बाहर बैठे बैठे इंतजार नहीं कर रहे, अब कोई रोटी ला अब कोई ला, और जब कोई ना लाओ तो वे खुद ही खाने के लिए गए तो वे ही बैठे गए। और जैसे ही उनने ताली मूछ देखी सुबह तौर पर शादी में इतने हेतु रिश्तेदार आए, दो चार अपने महात्मा लोग भी बुलाए और सब लोग बाहर बैठे, तो अंदर क्या कर चलो निकलो बाहर। बोली देखो हम महात्मा ना, अच्छा हम बने की गाड़ी खड़ी है हम तो कह रहे महात्मा नहीं निकलो बाहर। बोली तुम्हें हो क्या गया है, मैं महात्मा बोले फिर करे ना फिर लाठी उठा अब तो मैं और बोले। फिर उन्हें सारी बात बताई, पर डिबिया हम लेके आए रहे थे और जैसे ही हमने डिबिया खोली और वैसे ही पति बोले तो तुम चिंता मत करो। अब पति जो रहे वे वही गाड़ी में बोले थे कहते पति जो है पताली बनाए उठे और जादू वाली टिबिया की चक्करा मात रहे, एक तरफ से बनाएंगे तो सभी तरफ नंबर लगाए तो रूपी भरे हो जाए। अब तो कहो चले फिर सर। फिर वह लड़की को मालूम पड़ी बोले वो टिबिया दो भाई, तो टिबिया लगाई तो उनकी ताली और पूछ बंद हो गई।